दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। नगर पालिका द्वारा 3 दिन से सैकड़ों लोगों के नल कनेक्शन काट दिए हैं बिना कोई सूचना दिए हुए। इसके विरोध में सैकड़ों लोगों को 181 पर कंप्लेंट की है एवं बीबी सिटी साई आर्य गुलाब सिटी के लोग बीबी सिटी के लोग इसको लेकर घर की महिलाएं काफी परेशान हैं और उनका कहना है कि उनके घर में पीने का भी पानी नहीं है। साथ ही बिना किसी सूचना और नोटिस देने के पहले ही हमारे नल कनेक्शन काट दिए, जिसे नाराज होकर महिलाओं ने कलेक्टर निवास पर प्रदर्शन कर कनेक्शन दोबारा जोड़ने की मांग की, जिसे जिसन इस समस्या हरदा एसडीएम एवं नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा सुनी गई और 15 दिन की समय दिया जिसे वह अपनी नल कनेक्शन की रसीद करवा ले। सीमा अग्रवाल है, मैं बीबी सिटी कॉलोनी से आई हूँ। हम पानी की समस्या के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा अग्रवाल है, मैं बीबी सिटी कॉलोनी से आई हूँ और हमारी समस्या पानी की है। हम कलेक्टर घर के निवास से आए हुए हैं। कब से आए हो? हाँ, 1 घंटा हो गया सर हमको यहाँ पर आने को। कलेक्टर साहब इधर बाहर नहीं आए। पानी की क्या समस्या है? पानी की सर, हमारे 3 रोज से पानी नहीं आ रहा है। पानी का कनेक्शन काट दिया गया है सर। हमारे को बोला गया है कि आपने पैसा पेमेंट जमा नहीं किया है तो आपका कनेक्शन पानी नहीं मिलेगा। नगर पालिका में सर पूरे कॉलोनी का काटा है सर। उन्होंने 3 कॉलोनी का काटा है। उन्होंने लाइन कटवा दी। उन्होंने कॉलोनाइजर कौन है? गिरिजा शंकर राजपूत है। हमको हमको लाइन चालू की जाए पानी की। 3 रोज से हमारे घर में पानी बूंद नहीं है। हमारे घर में नहीं सर, किसी ने भी नहीं की है। पानी वाले आए हैं, वो भी धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं, जिसके पास जाना उसके पास चल जाओ। बोले राजपूत बीबी सिटी कॉलोनी। हम सिया राजपूत, पानी की समस्या के लिए आए हैं। 3 दिन से हमारी कॉलोनी में पानी नहीं है, बीबी सिटी कॉलोनी में। और नगर पालिका वालों बोलते पैसे जमा करो। हमने नल जमा कर दिए। टैंकर की वो देते हैं कि टैंकर डाल देंगे। टैंकर हम कब तक भराएंगे? टैंकर से पानी थोड़ा भरेगा। तो हमारे नल अचानक काटे गए हैं। ना तो किसी को नोटिस दिया गया है, ना किसी को चेतावनी दी गई है। पीने तक का पानी हमारे घर में नहीं है। सिर्फ की मकान वो मतलब पानी के लिए नल के 2150 रुपए जमा करो। 2100 जमा भी कर दिया हमने। मकान का टैक्स वगैरह, मकान का टैक्स वगैरह सारे जमा कर दिए। उसके बाद में नल चालू नहीं करे। अचानक इन्हें नल काटे, किसी को चेतावनी नहीं दी। अभी आप लोग कहाँ पे आए? हम कलेक्टर निवास में आए हैं। मांग पूरी नहीं होती? हाँ, मांग पूरी नहीं हो रही। 1 घंटे बैठे हैं, मांग पूरी नहीं होगी तो हम धरने पे बैठेंगे। सिटी कॉलोनी के कुछ लोगों ने पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर बनाव किया, क्या हुआ? हाँ, वो कुछ बीबी सिटी के हमारे जो हैं हितग्राही जो पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर बंगले के पास में मतलब आए हैं, तो हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोगों ने जो है नगर पालिका के जो कर्मचारी है हमारे सब इंजीनियर और जो कर्मचारी जो पानी का काम देखते हैं उनको बुलवाया। उनसे जानकारी ली गई। उनकी समस्या ये है कि पूर्व से मतलब जो है वो जो कॉलोनी में जो कॉलोनर्स है वो पानी का सप्लाई करता था। अभी वर्तमान में उसने बंद कर दिया है। तो उनकी समस्या मतलब अभी मूलभूत समस्या से मतलब उनको जूझना पड़ा तो तत्काल इधर आ गए। तो हम लोगों ने चर्चा के उपरांत ये हल निकाला है कि आप लोग जो हैं जो जितना भी अभी हम उसको जो है पानी की समस्या हल करते हैं और आज ही मतलब अभी चालू करवाते हैं उनके पानी का जो स्रोत है। वो दूसरा ये है कि उसमें जो बकायेदार हैं उनको 15 दिन में उसको पेड करना पड़ेगा। 15 दिन में यदि राशि पेड नहीं होती उसका नल कनेक्शन काट दें। वो खुद भी एग्री हैं। तो ऐसा हम इसको हल किए हुए हैं।